हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा और आप सब कैसे हो बताइए। और फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ एक करीना कपूर का फेस पैक, सीक्रेट फेस पैक है ये, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैंने ये एक आर्टिकल में पढ़ा था उनका, ये उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, वो समर्स में हमेशा वो यही यूज़ करती हैं, तो मैं भी कुछ दिनों से इसको यूज़ की हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। और ये बहुत ही अच्छा फेस पैक है, अमेजिंग है। इससे आपकी स्किन एकदम हाइड्रेट तो हो जाती है, और लेकिन आपकी स्किन बिल्कुल टाइट हो जाती है जब आप लगाएंगे ना। आप एक बार इसको ज़रूर लगाइए और आपको खुद ही पता चल जाएगा ये कितना अच्छा पैक है। एकदम टाइट कर देता है स्किन को, और आपकी स्किन एकदम रिफ्रेश और शाइनी एंड ग्लोई हो जाती है। उनका ये ग्लोइंग फेस पैक, सीक्रेट फेस पैक है, तो मैंने ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने उनका आर्टिकल पढ़ा था और मैं वही पिक उसमें डाल दूँगी, थंबनेल में ज़रूर डालूँगी मैं यही पिक। और वो जो जिसको जो जिसके साथ है उनको लगाए हुए नहीं है वो, लेकिन लिए हुए मतलब रखा हुआ है उनके पास, तो मैं वही पिक डालूँगी। और बहुत ही अच्छा पैक है, चलिए देख लीजिए कि इसको बनाना कैसे है। और सारी इंग्रेडिएंट्स ये है कि आपको सब कुछ घर में ही मिल जाएगा, और अगर आपके पास कोई भी चीज़ ना हो तो आप उसकी जगह मैं आपको बता दूंगी कि इसकी जगह आप क्या यूज़ कर लीजिए। तो चलिए पहले आप देख लीजिए कि इसको बनाना कैसे है। तो फ्रेंड्स, करीना कपूर फेस मास्क के लिए हमें चाहिए, ये उनका सीक्रेट फेस मास्क है, ये मैंने पहले बता रखा है आपको, तो ये मैं लूँगी इसके लिए। ये ऑरेंज पील पाउडर है, मैंने ऑरेंज का बना के रखा है, ऑरेंज पील को लेकर उनको पहले सुखा लिया है पहले, और फिर इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया है, तो मैं इसको इतना ले रही हूँ, 1.5 चम्मच करीब। और लूँगी मैं इसमें हनी डाल दूँगी मैं। उन्होंने बताया है ये वो हमेशा समर्स में इस्तेमाल करती हैं, बहुत ही अच्छा है, तो मैं डाबर का हनी ले रही हूँ। ये देखिए डाबर का हनी है, ये तो इतना ही ले रही हूँ हनी। और मैं लूंगी एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल ले रही हूँ मैं, लेस का एलो जेल है ये, बहुत ही अच्छा है, प्योर है एकदम, तो ये मैंने पर्पल से खरीदा था। आप कोई भी जेल डाल सकते हो, जैसे आप वो वाला जेल भी ले सकते हो, एलो पतंजलि का भी ले सकते हो आप, बहुत ही अच्छा होता है वो भी, तो मैं इसको ले रही हूँ, 1 स्पून ले लूँ, थोड़ा और लूँगी मैं ले रही हूँ, क्योंकि एलोवेरा जेल से तो बहुत ही अच्छा हो जाता है फेस, तो मैं ले रही हूँ। और मैं अपने तरफ से ऐड कर रही हूँ, क्योंकि समर्स हैं तो मैंने सोचा कि चंदन पाउडर भी ऐड कर देना चाहिए, तो मैंने चंदन पाउडर भी ले रही हूँ, जिसको ज़्यादा पिंपल्स वगैरह होंगे या पिंपल उनकी स्किन होगी तो उनको ये बहुत ही अच्छा रहेगा, ठंडक प्रोवाइड करेगा, इसलिए मैं चंदन पाउडर ले रही हूँ, सैंडल पाउडर। तो मैंने 1/2 स्पून करीब ले लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है मैंने। और मैं रोज़ वाटर लूँगी, अपने घर पे ही बना हुआ है, मैंने अपने घर पर ही बनाया था, तो मैं इसको ले रही हूँ। इसको अपने फेस पैक के अकॉर्डिंग ले लीजिए, जितना इसमें रिक्वायरमेंट हो उतना ले लीजिए। तो मैं अब इसको देख लेती हूँ कि अच्छे से मिक्स हो जाए, फिर अप्लाई करते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स, बहुत सही है, ऐसे ही कंसिस्टेंसी चाहिए मुझे, इसी तरह की ही चाहिए मुझे। ये देखिए रनी नहीं है, ठीक है, लग जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं बेला का एक कॉटन पैड ले लेती हूँ, अपने फेस को क्लीन कर लेती हूँ इससे। तो मैंने ये ले लिया है एक, और अपने फेस को रॉ मिल्क के साथ क्लीन कर लूँगी। ये मैंने रॉ मिल्क लिया है, आप वॉश भी कर सकते हो,
वाटर के साथ, लेकिन मैं ऐसे ही कर ले रही हूँ, बार बार वॉश नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे तो मेरा स्किन ड्राई है तो मैं नहीं करती हूँ वॉश। मैंने सिर्फ अपने लिप पर लिप बाम लगाया है। अब मैं 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी, जब ये सूख जाएगा तो मैं इसका अप्लाई कर लूंगी। तो फ्रेंड्स 2 मिनट हो गए हैं, ये सूख चुका है, मेरा फेस ड्राई हो चुका है। तो अब मैं ये पैक जो मैंने बनाया था वो मैं अप्लाई कर लूंगी अपने फेस पर। बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, लगाने में भी और इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी आ रही है, क्योंकि ऑरेंज तो वैसे ही बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए, पील पाउडर। तो मैंने इसमें सैंडलवुड पाउडर भी डाला है तो वो भी अच्छा काम करेगा आपके फेस पर। और मैंने हनी लिया है, हनी से आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी और आपके रिंकल्स भी नहीं होंगे, रिंकल्स अगर फाइन लाइन्स होंगे तो वो भी रिड्यूस हो जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा है, ग्लोइंग फेस पैक है ये। करीना तो हमेशा ही लगाती रहती है समर्स में स्पेशली, तो ये पैक बहुत मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा आपको इसके साथ शेयर जरूर करना चाहिए। तो आप चाहें तो आप नेक तक लगा लीजिए इसको। मैं इसको 20 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, 20 मिनट बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए मेरा फेस एकदम ड्राई हो गया है ये फेस पैक, तो मैं चलो वॉश कर लेती हूँ। चलिए मैं वॉश करके आपके सामने आती हूँ, दिखाती हूँ आपको कैसा लग रहा है मेरा फेस। बहुत ही अच्छा लग रहा है ये लगाने के बाद, बहुत ही ठंडा ठंडा भी लग रहा है और स्किन एकदम टाइट लग रही है और रिफ्रेश सा लग रहा है। कूल तो सेंसेशन हो ही रहा है, कूल सा लग रहा है। लेकिन आप तो जब भी कोई भी पैक लगाइए तो आप बोलिए मत और आराम से लेट जाइए और अच्छे से इसको टाइम दीजिए, जितना भी सूख जाए इतना ठीक है। वैसे ये मेरा पूरा ही ड्राई हो गया है, ये देखिए पूरा अच्छे से ड्राई हो गया है। आप मार्केट का पील ऑफ भी ले सकते हो, मैंने ये घर में बना हुआ लिया है, मैंने खुद बनाया था ये। तो चलिए वॉश कर आती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है पानी के साथ और आप खुद भी देख सकते हो मेरे फेस पर ग्लो। और ये समर्स का बहुत अच्छा स्पेशल फेस पैक है करीना का, और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगा और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। एकदम स्किन टाइट लग रही है, स्किन बहुत ही अच्छी लग रही है, स्मूथ तो हो ही गई है लेकिन टाइट टाइट सी भी लग रही है, सॉफ्ट बहुत हो गया है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा है मुझे अपना फेस। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देख लिया है कि मैंने इसको कैसे बनाया है और उनका ये बहुत ही अच्छा पैक है, तो आप लोग इसको ज़रूर यूज़ कीजिए। आप हफ्ते में इसको 2 टाइम्स लगा सकते हो अगर आप चाहें तो। आप पहले एक बार लगा के देखिए, अगर आपको बहुत अच्छा लगता है, मतलब आपकी स्किन टाइट होती है, आपकी स्किन से जो हल्की हल्की फाइन लाइन्स होती हैं वो गायब होती हैं और आपकी स्किन हाइड्रेट रहती है, और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप हनी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा से कर लीजिए, ज़्यादा डाल लीजिए उसमें, 1 स्पून करीब डाल लीजिए, मैंने 1/2 स्पून ही डाला था, तो आप उसमें ज़्यादा भी डाल सकते हो। मेरी है स्किन ड्राई लेकिन ज़्यादा ड्राई नहीं है, पर ठीक है जितना है तो ठीक है, उस हिसाब से मैंने ठीक ही डाला है। और अगर आपके पास पील ऑफ जैसे ऑरेंज पील ऑफ ना हो तो आप क्या कीजिए, आप मार्केट से ले लीजिए या फिर आप घर में ही बना सकते हैं। मैंने बताया ना आपको कि वो पहले छिलकों को सुखा लीजिए पहले धूप में और फिर वॉश करके सुखाइएगा। वॉश करके सुखाएंगे तो आपको उसमें कोई भी बैक्टीरिया, कुछ भी गंदगी, धूल मिट्टी नहीं रहेगी, तो इसलिए आप उसको धोकर ही सुखाएं। और धोकर सुखाएंगे उसके बाद आप ड्राई अच्छे से उसको पीस लीजिए, पीसने के बाद आप उसको छान जरूर लीजिएगा। जैसे आप छानेंगे ना तो उसका अच्छा पाउडर, फाइन पाउडर आपको चाहिए,
और मैंने छाना नहीं, लेकिन ऊपर का जो ऊपर का था तो मैंने वो हटा दिया था और जो मुझे पाउडर लेना था वो इस्तेमाल कर लिया है मैंने। और ये बहुत ही अच्छा है, मैंने इसको कुछ समय पहले बनाया था, बना कर रखे रहती हूँ मैं, और अगर नहीं मिलता है तो मार्केट से भी परचेस कर लेती हूँ। तो आपको ये फेस पैक तो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। शेयर ज़रूर कीजिएगा, शेयर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और लाइक ज़रूर कीजिएगा, एक लाइक से, आपकी एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियोस बनाने की इच्छा होती है, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने की इच्छा होती है। तो फ्रेंड्स, और अगर आप लोग मेरा चैनल नए देख रहे हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा, जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी वो आपके पास की नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं चलती हूँ आगे, अब ये इतना ही, और आगे आपसे कल मिलती हूँ। मैं रोज़ वीडियो अपलोड करती हूँ तो मैं बनाती ही रहती हूँ वीडियोस, और कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आ जाए और आप लोग मुझे सपोर्ट करें। सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स, सपोर्ट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हर सभी लोगों को, जब आप इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स को सपोर्ट करते हो तो आप छोटे यूट्यूबर्स जो नए आए हैं, न्यू हैं, तो उनको भी सपोर्ट कीजिए। उनको भी सपोर्ट करेंगे ना तो उनसे भी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो प्लीज़ सपोर्ट मी, एंड मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ी रहूं, इस प्लेटफॉर्म पर रहूं और आप लोगों के साथ, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें मैं दे सकूं, आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है शेयर करना आप लोगों के साथ। तो और अगर आप मेरे चैनल को देखते रहते हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पर चल रहा है गिव अवे, और गिव अवे में आप पार्ट, मतलब आप उसका हिस्सा बनना चाहते हो तो प्लीज़ आप मेरे सारे वीडियोस देखिए और शेयर करिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर रखा है तो लाइक भी जरूर कीजिए, और कमेंट भी हर वीडियो में मुझे चाहिए, तभी तो गिव अवे का आपको जो मैं उसकी यही इसकी जो मैंने गिव अवे रखा है, तो मैंने किस चीज़ पे रखा है कि मुझे लाइक करिए, मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। और मुझे हर वीडियो में आप लोगों के कमेंट्स चाहिए, और कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा उनका रिप्लाई देने को आप लोग सबको। और चलिए फ्रेंड्स, बाय।